सूर्य को जल चढ़ाने से अर्थ करने से लगी है। हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का यह अंग बन गया। परंपराएं भी ऐसी स्थापित होती है जो लोक कल्याणकारी होती है। बहुत से उदाहरण सैकड़ों उदाहरण से दिए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी हमने विनाशकारी मानसिकता वाली परंपराओं को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि ऐसी परंपराएं दीर्घकालीन नहीं होती, वो कुछ दिन के बाद स्वतः नष्ट हो जाती है। अनुकरणीय वह रहती है जो समाज को स्वस्थ बनाती है। और इन परंपराओं का स्वरूप हम विभिन्न सामाजिक कार्यों के निष्पादन में देखते हैं। वैवाहिक संस्कार, वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हैं, उनके पीछे क्या है? दो परिवार मिलने जा रहे हैं। हम आज की उस संस्कृति के उनका उल्लेख नहीं करना चाहते कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गए, बैलेंस ब्यूरो में रजिस्टर हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा क्या कहती है? द्वार पर बारात आए तो शास्त्रार्थ। हमें से बहुतों को नहीं मालूम होगा शास्त्रार्थ का उद्देश्य क्या था। लड़के और लड़के के परिवार के लोग बैठ कर एक दूसरे को समझाते थे कि वैवाहिक बंधन का महत्व क्या है। ये बंधन अटूट रहना चाहिए, ये बंधन टूटना चाहिए नहीं चाहिए, ये दो व्यक्ति के संबंध नहीं, दो परिवारों का और दो समाजों के मिलन का समारोह है। इसलिए आओ अच्छी अच्छी बातों पर हम चर्चा करें। यह परंपरा आज भी चालू है, ये हमारी संस्कृति का अंग हो गया, ये हमारी परंपरा का अंग हो गया। आज भी करोड़ों में टूटती जा रही बात है, लेकिन यह सब जो समाज के कल्याण के लिए जितने भी कर्म लिख आए हैं वो सब जब स्वीकृत रूप से सदियों तक चलती जाती है तो वही परंपरा भी होती है, वही संस्कृति का अंग भी बनते हैं। आज भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को सब स्वीकार करते हैं, उसमें कहीं हीनता का भाव नहीं है, कहीं समाज को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है। हमेशा श्रेष्ठ कर्मों को प्रोत्साहन देने वाले जितनी क्रियाएं हैं, जितने आचरण हैं, जितने व्यवहार हैं, वह सब हमारी संस्कृति का अंग है। इसलिए हमारी संस्कृति, उसके साथ जुड़े हुए संस्कार और परंपराएं सब स्तुत्य हैं। मुझे विश्वास है कि आज की इस गोष्ठी में जो आदान प्रदान विचारों को हुआ वो लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में जाता हूँ।